अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है स्पाइसी स्टूडेंट बिरयानी की। चलें तो बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले चाहिए हमें एक पतीला, उसमें डालेंगे हम अनियन 2 कप्स यानी कि 3 मीडियम प्याज, आप इसको मोटा मोटा काट लें और डाल लें। उसके बाद चाहिए हमें लहसुन, 1 पूरा लहसुन डालेंगे हम। इसके बाद चाहिए हमें टमाटर, 4 मीडियम साइज़ टमाटर लेंगे हम, उनको कट्स लगा के डाल देंगे। मैं यहाँ पे फ्रोज़न टमाटर इस्तेमाल कर रही हूँ। अब हम इसमें डालेंगे 3 कप पानी और यहाँ पे डलेगा हस्बे ज़ायका नमक। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको 20 से 25 मिनट के लिए दम पे छोड़ देंगे लो फ्लेम पर। अब यहाँ पे 20 मिनट गुजर चुके हैं और ये तमाम चीज़ें तकरीबन सारी की सारी गल चुकी हैं और अब हम इनको ब्लेंड कर लेंगे। अब यहाँ पे तमाम चीज़ें ब्लेंड हो चुकी हैं, पहले हम पतीले में ऑयल डालेंगे और उसके बाद मिक्सचर को डाल के फ्राई कर लेंगे जब तक इसमें पानी थोड़ा सा कम ना हो जाए। ऑयल वाला पार्ट मेरा रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। 1 कप ऑयल लेंगे हम और उसके बाद इसमें मिक्सचर ऐड कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन, 2 kg चिकन लिया है यहाँ पे। चिकन को मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस। स्पाइसेस मैं आपकी आसानी के लिए लेबल भी कर देती हूँ, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, मैंने लिया है 1/4 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून क्रश चिली और 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर। स्पाइसेस ऐड करने के बाद हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको दम दे देंगे 20 मिनट के लिए ताकि जो चिकन है वो अपना पानी कम्प्लीट तरीके से छोड़ दे। अब यहाँ पे तकरीबन 20 से 25 मिनट गुजर चुके हैं, अब हम इसको फ्राई करेंगे 30 मिनट्स के लिए। जैसे कहते हैं ना भून लेंगे इसको, वैसे हम भून लेंगे। इसको फ्राई करने के लिए हम इसकी आंच जो है वो मीडियम कर लेंगे, हम इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे दही 1/2 कप, इसके बाद इसमें जाएगा मसाला। मसाले का मैंने 1 पैकेट इसमें डाला है, शान चिकन बिरयानी मसाला। अब हमें चाहिए 2 इंच अदरक और 3 सब्ज़ मिर्चें, इनको पीस लेंगे और इसको ऐड कर देंगे हम और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब जो ऑयल है वो सारा ऊपर आ गया है, इसका मतलब है कि हमारा जो बिरयानी का मसाला है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है लेयर्स लगाने के लिए। तो चावल हमने पहले से बॉईल करके रखे हुए हैं। चावलों को बॉईल करने का तरीका ये होगा कि आप पहले पानी को चढ़ाएंगे और उसमें जितने कप्स आप चावलों के ले रहे हैं उतने टीस्पून सॉल्ट डालेंगे और 1 टेबल स्पून आप उसमें डालेंगे ऑयल, जो कि चावलों को एक दूसरे से चिपकने से रोकेगा। और उसके बाद चावल जब उसमें 1 कनी रह जाएगी, मतलब वो फुल कंप्लीट बॉईल नहीं होगा, तो उसको आप छन्नी में छान लेंगे। और बिरयानी बनाने के लिए बेहतर ये होता है कि आप 2 से 3 घंटे पहले अगर चावलों को बॉईल करके रख लेते हैं तो चावल जो है वो खड़ा खड़ा सा होता है। अगर आप इसमें इस्तेमाल करना चाहते हैं कोई भी फूड कलर तो आप इस स्टेप पे डालेंगे इसमें। मैं इसमें रेड और जर्दा कलर ऐड कर रही हूँ।
इसके बाद आप इसको दम देंगे और 2 मिनट्स के लिए आप इसको मीडियम फ्लेम पर रखेंगे और 8 से 9 मिनट के लिए आप इसको रखेंगे लो फ्लेम पे, और जब इसका फ्लेम आप बंद कर देंगे तो इसको 4 से 5 मिनट के लिए नहीं खोलना है, यानी कि इसका जो ढक्कन है वो फ़ौरन से नहीं खोलना है। चलें जी, तो हमारी बिरयानी तैयार हो चुकी है, अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये थी स्पाइसी स्टूडेंट बिरयानी की रेसिपी आपके लिए। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी, आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे और ज़रूर फीडबैक देंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।